मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अधिकृत उमेदवार. अजित पवारांनी मला उमेदवारी दिली आहे. भाजप आणि शिंदे गटासोबत माझी लढाई आहे असं नवाब मलिक म्हणाले. तर माझ्यावर खोटे आरोप करणाऱ्यांवर कारवाई करणार असा इशारा देखील नवाब मलिक यांनी दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ, ऑफिशियल उम्मीदवार हूँ, अजित पवार जी के साथ में हूँ. उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है. महायुति तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही है. अब महायुति के नेता चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे शिवसेना शिंदे के लोग हों, वो लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी लड़ाई उनसे है. और समाजवादी पार्टी भी मैदान में है. तो यहाँ हम दो लोगों से लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे. जिस तरह से अंडरवर्ल्ड लिंक से जोड़ा जा रहा है, लोग मुझे विधानसभा के भीतर तो देशद्रोही बोल चुके हैं, लोग मुझे गद्दार बोल रहे हैं, लोग मुझे आतंकवादियों से मेरा संबंध जोड़ रहे हैं. मैंने साफ कर दिया कि इतने दिन तक हमने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि हमें बोलने पर पाबंदी थी. अब जो मनगढ़ंत बातें करेगा, जो मेरी प्रतिमा मलिन करने की कोशिश करेगा, तो उन्हें बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीक. तो राइट टू डिफेंड मुझे भी है. मनगढ़ंत आरोप मुझ पर गढ़ रहे हैं, उन पर हम